हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोगों का जो BGMI के अंदर अपडेट आएगा उसके अंदर हम लोगों को क्या कुछ न्यू रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कब तक हम लोगों का अपडेट आने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना, ज़रा सा भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना कर पाओ। तो सब्सक्राइब करो जल्दी से अगर अभी तक नहीं किया तो। और सबसे पहले यहाँ पे अगर बात की जाए कि हम लोगों का अपडेट कब आएगा, तो देख सकते हो यहाँ पे फाइनली हम लोगों का जो मोड है ना उसको हटा दिया गया। जो हम लोगों का शैडो फोर्स मोड चल रहा था उसको BGMI के अंदर से अब रिमूव कर दिया गया। एंड अब यहाँ पे ना हम लोगों को बहुत ही जल्द न्यू वाला अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद हम लोगों को न्यू मोड देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा मोड होने वाला है आगे उसके ऊपर बात करेंगे। और बाकी देख सकते हो जितने भी यहाँ पे इवेंट्स है वो सारे इवेंट्स आप लोगों को यहाँ पे जो एंड होते हुए दिख रहे हैं मोस्टली। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कल तक हम लोगों को अपडेट जो देखने को मिल जाएंगे BGMI के अंदर, यानी कि अभी जितने भी इवेंट्स आप लोग जाके देखोगे ना उतने इवेंट्स अभी आप लोगों के यहाँ पे 19 तारीख को ही एंड हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे कल तक हम लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को न्यू मोड भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं किस तरीके का हमारा मोड होने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पे पबजी के अंदर जैसे ही हमारा अपडेट आया था ना उसके बाद हम लोगों को एक न्यू मोड देखने को मिला था। एंड ये मोड तो यहाँ पे हम लोगों को BGMI के अंदर एक होली धमाका 2.0 करके ऐसा यहाँ पे नाम दिखेगा, जो यहाँ पे सेम नेम दिया हुआ है ना पबजी के अंदर वो नहीं रहेगा। बस मोड सेम रहेगा लेकिन नाम अलग रहेगा, और नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि होली धमाका या फिर होली धमाका 2.0 करके ऐसा करके हम लोगों को इवेंट देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ये जो होम मोड है ना, ये होम मोड भी हम लोगों को BGMI के अंदर देखने को मिलेगा। या फिर अगर नहीं मिलता ना तब फिर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा BGMI के अंदर, जो रॉयल पास के मतलब रॉयल पास के अंदर काफ़ी सारे आइटम्स हो गए या फिर इवेंट्स हो गए, तो उसको हटाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे मोड तो हमारा आएगा ही आएगा होम मोड। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों को मिथिक या फिर एपिक या फिर लेजेंडरी इमोट को जो है कलेक्ट करना है। एंड जैसे जैसे आप लोग इनको कलेक्ट करते जाओगे उसके हिसाब से आप लोगों के यहाँ पे अचीवमेंट कंप्लीट होते जाएंगे, एंड आप लोगों को यहाँ से रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप लोग आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप लोगों को जैसे ही अगर आप लोग 200 इमोट ले लेते हो ना, तो आप लोगों को एपिक या फिर लेजेंडरी, तो आप लोगों को यहाँ से जो ये मतलब जितने भी आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, कितने भी आप लोगों के पास हो इमोट्स। फिर यहाँ पे अगर नीचे जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे और रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको ग्लाइडर को जो है उड़ाने को बोला जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक होम मोड वाला अचीवमेंट भी है जो कि आप लोगों को होम मोड के अंदर जाके करना है, जो हमारा न्यू मोड आया। तो ये सारे अचीवमेंट्स आप लोगों को BGMI के अंदर भी देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या किए थे ना कि मतलब सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोगों को क्लैन के अंदर काफ़ी सारे आइटम्स ऐड होते हुए दिखेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग इनका यूज़ कर पाएंगे। और देख सकते हो यहाँ पे आप लोग पहले आपको पता होगा कि 50 में यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 1 AG करेंसी मिल रही थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे कंप्लेन किया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 में आपको 1 AG करेंसी यहाँ से मिल जा रही है, तो ये काफ़ी सही है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे बहुत सारी AG करेंसी ले सकते हो, 500 तक आप लोगों को यहाँ से AG करेंसी मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे AG करेंसी लेना होगा तो अब शॉप के अंदर भी अच्छी खासी आप लोगों को AG करेंसी मिल जाएगी, 50 में ना मिलके 1 में ही 1 आप लोगों को मिल जा रही है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही कर दी गई है। और बाकी आप लोगों का जब BGMI के अंदर अपडेट आएगा ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसके अंदर भी सेम टू सेम ही आएगी, बस यहाँ पे नेम थोड़ा सा चेंज करके आएगा जो भी आएगा आना रहा। तो यहाँ पे ये हो गया। एंड यहाँ पे इसके अलावा हम लोगों को इंजन कोर देखने को मिलता है, जो कि हमारा अपग्रेडेबल आइटम है, जिसके यूज़ से हम लोग यहाँ पे जो अपने व्हीकल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो हमें मिलेगी। बाकी यहाँ पे और बात करूँ तो हम लोगों को यहाँ पे जो काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे जो कि हम लोगों के आएंगे। एंड यहाँ पे जो रिकॉल इवेंट है ना, रिकॉल इवेंट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे 10 ड्रॉज वाले कूपन्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप लोगों को ये कूपन मिल जाते हैं ना, तो आप लोग डायरेक्टली 10 बार ड्रॉ कर सकते हो, वो भी बिना UC खर्च के, मतलब 0 UC में आप लोग 10 टाइम्स स्पिन कर पाओगे अगर आपको ये वाउचर मिलती है तो। फिर यहाँ पे आप लोगों को मटेरियल मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे आप लोगों को मिथिक एम्ब्लम फ्रेगमेंट मिल जाएगा। और इसके अलावा नीचे जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन ये 3 रिवॉर्ड्स ऊपर वाले अभी न्यू ऐड हुए, तो वो BGMI के अंदर भी आपके एडेड होते हुए आपको दिखेंगे। बाकी यहाँ पे जो रैंकिंग सिस्टम है ना, रैंकिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं।
जहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर यहाँ हो गए ना तो आप लोगों को यहाँ पे होम रैंकिंग के अंदर सबसे पहले रैंकिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे 1 to top 10 आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को जो आना पड़ेगा टॉप में तभी जाके मिलेंगे। एंड देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को और भी काफ़ी सारे रैंकिंग्स दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे हो गया फर्स्ट वाला, हो गया कुछ इस तरीके का। एंड अगर आप लोग इसके अंदर भी आते हो ना टॉप में, तो आप लोगों को यहाँ पे एक टाइटल मिलेगा। एंड देख सकते हो यहाँ पे ये मिथिक टाइटल मिलेगा, लेकिन ये ना परमानेंट नहीं रहेगा, वही आप लोगों को 7 दिनों के लिए मिलेगा, जब तक आप लोग यहाँ पे रैंकिंग में रहते हो तब तक। और बाकी यहाँ पे आप लोगों को वीकली रैंकिंग भी देखने को मिलेगा, एंड दोनों के दोनों ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हो गया हमारा टाइटल, और बाकी यहाँ पे इसी तरीके से हर एक के अंदर है, मतलब बेसिकली ये ना अगर आप लोग किसी के साथ यहाँ पे पार्टनर बन के हो ना, तो फिर आप लोगों को उनके साथ सिनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे बर्डी वाला ऑप्शन हो गया, BFF वाला हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को रैंकिंग इंक्रीज करनी है जिसके भी साथ आप लोग पार्टनरशिप में हो उसके साथ, तो फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये हो गया, एंड फिर यहाँ पे अब हम लोगों का जो यहाँ पे ये रिवॉर्ड है ना, मतलब मिथिक वाला, तो इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे हमें पुराने पुराने ही आइटम्स बेसिकली देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये हमारी आउटफिट हो गई, एंड ये हम लोगों का एक और आउटफिट हो गया, एंड ये बहुत पहले हम लोगों की आई थी एक बार इमोट, तो ये भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो BGMI के अंदर भी क्या होगा ना, कि मतलब इस क्रेट के अंदर हम लोगों को बेसिकली मिथिक फोर्ज के अंदर जितने भी सारे पुराने पुराने आइटम्स हैं ना, उनको ही देखने को मिलेंगे ज़्यादा, वही सारी चीज़ें को ऐड कर दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे हम लोगों के कुछ न्यू इवेंट्स भी आएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले इवेंट आ जाएगा ये वाला, जो कि होम मोड का है, यानी कि होम मोड के अंदर हम लोग काफ़ी सारे जो आइटम्स को परचेज करते हैं, वॉलपेपर मिलता है, मतलब वहाँ पे फर्नीचर मिलते हैं, इन सभी चीज़ों का हम लोग वहाँ पे जाके एंड यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोगों का होम इवेंट भी आएगा, जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग टाइप्स के जो होम देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोग यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे हम लोगों को होम मिशंस से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे मिशंस भी दिखेंगे, जिनको हमको कंप्लीट करना पड़ेगा BGMI के अंदर। और फिर यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों का एक इवेंट आएगा, जो कि हम लोगों का होने वाला सुपर कार का इवेंट, एंड देख सकते हो कुछ ऐसा होगा जिसका नाम यहाँ पे बेंटली सुपर कार करके होगा, एंड देख सकते हो उसका लुक वाइज कुछ ऐसा होने वाला है। और ये अगर आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को स्पिन वगैरह करना पड़ेगा, एंड ये हम लोगों को देखने को मिल जाएगी BGMI के अंदर, जैसे ही हमारा एक बार अपडेट आ जाता है, तो हम लोगों को न्यू वाले अपडेट के अंदर ही ये सारे इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और बाकी यहाँ पे जो होली से रिलेटेड इवेंट है, वो भी हमें देखने को मिल चुके हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा ओवरऑल इवेंट। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना कर पाओ, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।